नमस्कार बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास नाइन्थ एस एस टी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर फोर्टी वन या आपकी ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की वर्कशीट रहेगी आज की इस ईजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज करेंगे यहाँ पे हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और उसी पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो ये फर्स्ट एक वाइड लेवल की वर्ल्ड लेवल की रेवोल्यूशन थी हालांकि इस रेवोल्यूशन का बेस फ्रांस था लेकिन इसने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दिए थे जिसने पूरे आने वाले टाइम में जो पूरे वर्ल्ड है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर दिया था वहाँ के सोशल सिस्टम को चेंज कर दिया था काफ़ी सारे आइडियाज़ जो आज हम सभी के पास काफ़ी सारे राइट्स हैं वो राइट्स वो आइडियाज़ हमें इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले जैसे फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट टू वोट इक्वेलिटी एंड रूल ऑफ लॉ इस टाइप के आइडियाज़ पहली बार जो दिए गए थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिए थे सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी उससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाँ लोग शासन कर सकते हैं लोग सरकार को चला सकते हैं लोग सरकार को चुन सकते हैं पहली बार वो आइडिया जो निकल के आया था वो इसी रेवल्यूशन से निकल के आया था और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि यस इट कैन बी पॉसिबल कि अगर कोशिश की जाए तो लोग हैं वो सरकार को चला सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस एक्स्ट्रैक्ट को रीड करते हैं और इसी पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको हमें बाद में सोल्व करना है ऑन फोर्टीन ऑफ जुलाई सेवनटीन द रेवल्यूशन इन फ्रांस अगेंस्ट द मोना की वो ड्यू टू द इनजस्टिफाइड पॉलिसीज ऑफ द लुई सिक्सटीन यानी कि पहली चीज कई सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई कि दैट रेवोल्यूशन टुक प्लेस ऑन फोर्टी ऑफ जुलाई सेवनटीन एटी नाइन को इसकी शुरुआत होती है इस रेवोल्यूशन की ओके एंड ऐट दैट टाइम द लुई सिक्सटीन वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम लुई सिक्सटीन वहाँ के रूलर होते हैं और ये जो क्रांति होती है जो रेवोल्यूशन होती है वो क्यों होती है बिकॉज ऑफ द अनजस्टिफाइड पॉलिसीज जो लुई सिक्सटीन की थी जो मोनाकी की जो अनजस्टिफाइड पॉलिसीज थी उसके कारण होती अनजस्टिफाइड मतलब ये था कि अन्यायपूर्ण थी यानी कि कुछ का फेवर लिया जा रहा था कुछ के लिए वो पॉलिसीज एक इक्वल नहीं थी ओके okay, तो उसके कारण वो रेवोल्यूशन होती है अगर ये पॉलिसीज शायद बेटर होती तो ये रेवोल्यूशन नहीं होती एक और चीज़ हमें यहाँ से फर्स्ट लाइन से समझ में आई कि एट दैट टाइम देर वॉज द मोनाकी इन द फ्रांस मोनाकी सिस्टम था मोनाकी हिंदी में कहेंगे राजतंत्र राजतंत्र मतलब राजे के बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा जैसे हम मुगल डायनेस्टी में कर चुके हैं जैसे बाबर बाबर का हुमायूं हुमायूं का अकबर अकबर का जहांगीर जहांगीर का शाहजा सांजा का औरंगजेब ओके okay, तो उसको हम मोनार्क के सिस्टम बोलते हैं सो फोर्टीथ ऑफ जुलाई सेवनटीन एटी नाइन द फ्रेंच रेवल्यूशन टुक प्लेस एंड एट दैट टाइम द मोनाक मोनाक कह लीजिए या किंग कह लीजिए लुई सिक्सटीन वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस एंड इट वॉज अगेंस्ट द अनजस्टिफाइड पॉलिसीज ऑफ द लुई सिक्सटीन ओके द फ्रेंच सोसाइटी की बात करें उस वक्त को अनजस्टिस कहाँ हुआ था द फ्रेंच सोसाइटी वो इज डिंग द थ्री एस्टेट्स फ्रेंच सोसाइटी थ्री एस्टेट में थ्री एस्टेट को आप थ्री ग्रुप मान सकते हो तीन ग्रुप में बंटी the थे आउट ऑफ इज द फर्स्ट टू एस्टेट्स यानी कि फर्स्ट एस्टेट जिसमें क्लर्जीज थे क्लर्जीज हिंदी में कहीं तो पादरी थे सेकेंड एस्टेट में नोबल्स आ जाते जा थे नोबल्स मतलब जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे या जो मिनिस्टर्स थे वो नोबल्स आते थे ठीक यानी कि वर द थ्री एस्टेट्स इन द फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट एस्टेट क्लेर्जीज सेकेंड एस्टेट नोबल्स एंड थर्ड जो एस्टेट थे थर्ड एस्टेट में आते थे जैसे कॉमन पीपल कॉमन पीपल मीन्स दैट फार्मर्स पीजेंट्स आर्टिसंस ओके वर्कर्स मर्चेंट्स वो सभी थर्ड एस्टेट में आ जाते थे एंड द फर्स्ट टू एस्टेट्स द नोबल्स एंड द क्लेर्जीज नेवर यूज टू गिव टैक्स फर्स्ट टू एस्टेट जिनके पास ज़्यादातर लैंड थी जिनके पास मोटा पैसा था उनको टैक्स नहीं देना होता था यानी कि उल्टी गंगा बह रही थी यहाँ पे जिनसे टैक्स लेना था उनसे नहीं लिया जा रहा था जिनसे नहीं लेना था उनसे टैक्स लिया जा रहा था टैक्स कौन देता था ओनली द थर्ड एस्टेट वाइल द मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे द होल टैक्स सारा टैक्स उन्हें देना होता था एज टैक्स वॉज डिसाइडेड ऑन द मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट सो द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट देयर वोट शुड बी कंसिडर्ड सेपरेटली अब वहाँ पे सिस्टम क्या था कि टैक्स को अगर इंक्रीज़ करना होता जैसे युद्ध हो गया ठीक युद्ध हो गया टैक्स बढ़ाना बढ़ा दो अब कैसे डिसाइड होता था फर्स्ट स्टेट में थ्री मेंबर थे ओके सेकेंड स्टेट में थ्री मेंबर्स थे थर्ड स्टेट में सिक्स मेंबर्स थे क्लियर इनकी मीटिंग बुलाई जाती थी उसके बाद ही टैक्स को बढ़ाया जा सकता था लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसका एक वोट काउंट किया जाता था इसका एक वोट काउंट किया जाता था इसका एक वोट काउंट किया जाता था अब दो वोट एक साइड में हो गए तो इट मीन्स दैट टैक्स को हम बढ़ा सकते हैं ऐसा था सिस्टम अब जो थर्ड स्टेट को यही प्रॉब्लम थी दैट देर शुड बी द वोटिंग सेपरेटली अलग अलग वोटिंग होनी चाहिए एक व्यक्ति का एक वोट हो एक मेंबर का एक वोट हो तब पता चलेगा ना कि ये टैक्स बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना लेकिन इसी के साथ ही प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम यह थी कि फर्स्ट टू स्टेट थे उनके वोट तो हमेशा ऐसे जाते बढ़ा दो भाई उनको क्या उनको टैक्स थोड़ी देना होता था ओके तो यहाँ पर प्रॉब्लम थी थर्ड स्टेट को बट द डिमांड वॉज टर्न डाउन बाय द एम्प्रर सो ए रेवोल्यूशन ब्रोकआउट अब जो डिमांड थी डिमांड तो सही थी कि भाई हमें टैक्स देना तो हमसे पूछा जाए चलो कोई ना उनसे भी पूछ लो लेकिन वोटिंग तो करवा लो ना कम से कम अब जो लुई सिक्सटीन था उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा जो चल रहा है उसको हम चलने देते बस इसी बात पे तू तड़ाक हो जाती है और रेवोल्यूशन हो जाती है यानी कि छोटी सी जो हा ना थी बड़ी महंगी पड़ जाती है लुइस सिक्सटीन को द फोर्ट्रेस ऑफ बास्टील वॉज अटैक्ड एंड आर्म्स वर कैप्चर्ड एंड सेवन प्रिजनर्स फॉर रिलीज्ड जो बास्टिल्स का जो वहाँ पे फो, आ, फोर्ट था उसके ऊपर अटैक किया जाता है और वहाँ से सेवन प्रिजनर्स से उनको छुड़ा लिया जाता है आर्म्स वगैरह छीन लिए जाते हैं हालांकि एक छोटी सी इवेंट थी सात कैदियों को छुड़ाया गया था लेकिन इतनी छोटी नहीं थी क्योंकि जो बास्टील जो थी बास्टाइल्स भी प्रनसिएशन इसकी हो सकती है दोनों ही हैं तो जो बास्टिल बास्टिल की जेल हिंदी में कहीं तो तो वो जो जेल थी वो एक तरीके से पावर को रिप्रेजेंट करती करती थी किसके लुई सिक्सटीन के तो जब उसके ऊपर अटैक किया गया तो लोगों में एक जोश आ गया कि यस हम पीछे हटा सकते हैं हम लुई सिक्सटीन को हटा सकते हैं हम अपनी डिमांड्स को पूरा करवा सकते हैं मनवा सकते हैं तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था ये ओके तो ये था हमारा आज का एक्सट्रैक्ट अब इसी पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चंस चलिए उनको सॉल्व करते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक काम करते हैं हम थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं आपको एज ए क्विज लेना है ठीक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन दूंगा और मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर गैस करना और आप बताना कि आउट ऑफ फाइव कितना स्कोर कर पाते हो आप ओके तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन औकार फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होती है फोर ऑप्शन देखें फर्स्ट ऑप्शन है फोर्टीथ ऑफ जुलाई सेवनटीन एटी नाइन सेकेंड ऑप्शन है सेवनटीन ऑफ जुलाई सेवनटीन एटी नाइन थर्ड ऑप्शन है फिफ्टीथ ऑफ अगस्त 1947 और फोर्थ ऑप्शन है ट्वेंटी आंसर क्या रहेगा करेक्ट आंसर आपका यह रहेगा फोर्टीन जुलाई ओके क्वेश्चन को देखिए ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वो इज डिंग टू हाउ मेनी एस्टेट्स एटीन सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कितने एस्टेट्स में बंटी हुई थी ओके okay. ये हमें बताना है फर्स्ट ऑप्शन है फोर सेकेंड ऑप्शन है थ्री थर्ड ऑप्शन है फाइव फोर्थ ऑप्शन दिया गया दैट इज द दिक्स तो हमारा करेक्ट आंसर बी रहेगा जो ऑप्शन हमारा बी रहेगा यानी कि थ्री जो ग्रुप्स है थ्री एस्टेट्स है उसमें बंटी हुई थी फ्रेंच सोसाइटी फर्स्ट एस्टेट सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट उसमें से थर्ड एस्टेट है उसको सारे टैक्स देने होते थे तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया विच एस्टेट डीडेंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एक्जेंसव एग्जेपन ऑफ पेइंग टैक्सेस विच एस एस्टेट डिडेंट हैव द प्रिवेज प्रिवलेज होता है स्पेशल राइट्स ऑफ एग्जैम्पन होता है छूट ऑफ पेइंग टैक्स कि इनमें से किस एस्टेट को टैक्स पे करने से छूट प्राप्त नहीं थी ओके okay. फर्स्ट है फर्स्ट एस्टेट को सेकेंड है सेकेंड एस्टेट को थर्ड है थर्ड एस्टेट को फोर्थ है फोर्थ एस्टेट को करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी थर्ड एस्टेट को यानी कि उनको टैक्स पे करना ही होता था उनको कोई छूट प्राप्त नहीं थी ओके okay. तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रिविलेंट इन फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में फ्रांस में किस टाइप की गवर्नमेंट थी ओके फर्स्ट ऑप्शन है डेमोक्रेसी थी वहाँ पर ओके सेकेंड ऑप्शन है देर वॉज द मोनार्क थर्ड ऑप्शन है दैट इज द ओलिगार्ची अल्पतंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी okay. में एंड डी इज द डिक्टेटरशिप ओके तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा मोनार्की थी राजतंत्र था वहाँ पर ओके फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका ड्यू टू द इंडस्ट्रीज विदर्ड स्टेट थर्ड स्टेट के साथ इनजस्टिस होती है ओके okay. उसके कारण लोगों ने क्रांति कर दी सेकेंड है ड्यू टू द इनजस्टिस विद द सेकेंड स्टेट के साथ इनजस्टिस होती है थर्ड ड्यू टू द इनजस्टिस विद द फर्स्ट स्टेट उसके साथ इनजस्टिस होती है इसलिए होती है फोर्थ ऑप्शन है ड्यू टू द जेनरल ऑफ द एम्पायर एम्पायर काफ़ी खुले दिल का था उतार था बस इसी से पंगा हो गया ओके okay, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ई ड्यू टू द इनजस्टिस विद द थर्ड एस्टेट के साथ अन्याय हो रहा था मतलब सारे टैक्स उन्हें ही देने पड़ते थे अब इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा था इतने सालों तक देते रहे लेकिन कभी तो सबर का बांध टूटता ना इस बार उन्होंने कहा बस बहुत हो गया अब और नहीं ओके okay, तो ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बी करेक्ट आंसर रहेगा और फिफ्थ में आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा अगर तो आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आज के लिए बस इतने थैंक यू बाय बाय है नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में